देश में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही अब बिहारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और बिहार सरकार में 60,000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है। और आपको जानकारी देते चले कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से ज्यादा वैकेंसी, वहीं पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आ गई है। और इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकली है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि इन सारी वैकेंसियों को, यानी कि चयन की प्रक्रिया जो है, मात्र 4 महीने में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि 4 महीने के अंदर में ही सारा एग्जाम लिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, और रिजल्ट के साथ साथ 4 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आ गई है। और अगर आपको अगर नौकरी की अगर जरूरत नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर हमारे उन नौजवान भाइयों एवं बहनों तक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, ताकि वो लोग तैयारी कर सके और वैकेंसी में अप्लाई करके नौकरी पा सके। आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से आ रही है, पंचायती राज विभाग से आ रही है। हम सबसे पहले आपको स्वास्थ्य विभाग के वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको पंचायती राज विभाग में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि दरअसल स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली की जाएगी और जल्द ही इन पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के अंदर नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 4 महीने के अंदर में चयन की प्रक्रिया पूरी करके लोगों को, अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी हाथों हाथ दे दिया जाएगा। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डिपार्टमेंट में रिक्त पदों को भरने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर समीक्षा भी की है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और इसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वहीं जो खबर के मुताबिक जानकारी आ रही है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आई है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी पद के लिए 3,523 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 396 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए 1,290 पद, डेंटिस्ट के 64 पद, सिस्टर ट्यूटर के 362 पद, नर्स के 6,298 पद, फार्मासिस्ट के 3,637 पद और ANM के 15,089 पद। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद, OT असिस्टेंट के 1,326 पद, ECG टेक्नीशियन के 163 पद, लैब टेक्नीशियन के 3,080 पद, ड्रेसर के 1,562 पद और CHO संविदा के आधार पर 4,500 पद। वहीं इन सारे वैकेंसी के लिए अब बताया जा रहा कि 4 महीने के अंदर ही सारी चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि इसके साथ साथ ये 45,000 पदों के साथ साथ 1,339 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आई है। और स्वास्थ्य विभाग में अन्य पदों के साथ ही प्रोफेसर की भी बम्पर वैकेंसी आई है। बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर वैकेंसी निकालने वाली है और इसे आने वाले कुछ ही दिनों में भरने का लक्ष्य भी रखा गया है। और बताया जा रहा कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर में ही चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं
बिहार के शिक्षा विभाग में कुछ महीनों पहले हजारों की तादाद में रिक्त पदों को भरा गया था। इसमें प्राथमिक के साथ साथ 10+2 के भी टीचर्स शामिल थे। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा कि दरअसल शिक्षा विभाग में भी हजारों वैकेंसियां एक बार फिर से आ सकती है। वहीं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें 4,351 अस्थाई पद हैं और 11,259 जो है अस्थाई नियुक्ति की जाएगी, यानी कि संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 4,351 पदों पर अस्थाई नियुक्ति होनी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। और नियुक्ति प्रक्रिया का समय सीमा जो रखा गया है वो 3 से 4 महीने रखा गया है, यानी कि पंचायती राज विभाग में भी जो वैकेंसी आई है उसमें भी 3 से 4 महीनों में चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया उस समय भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी के समक्ष बातों को रखा और कहा कि बिहार के लिए भी जरा सोचिए, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी दोहराई गई। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो बिहारियों के लिए सौभाग्य की बात होगी, बिहारियों का भाग्य का उदय हो सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और अकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी माध्यम से होगी। पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक परिचारी और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी, यानी बीपीएससी के तहत इसमें भी चयन किया जाएगा। वहीं विभिन्न विभाग में पदों पर नियुक्ति होने से गांव में विकास कार्य और ज्यादा जो है तेजी से होगा। अब इन सारे वैकेंसी के आने पर आप लोग कितने खुश हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए अहम कदम उठा रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जैसे ही आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग में और ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, सड़क परिवहन विभाग में भी काफी सारी वैकेंसी आने वाली है और जैसे ही अन्य वैकेंसियां आएंगी हम आप लोगों तक पूरी खबर जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको अन्य वैकेंसियों की भी जानकारी समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर कर हमारे बेरोजगार भाइयों एवं बहनों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।